Hello students, welcome you all on my YouTube channel named Abhishek Tiwari Total NCERT Solution. I'm your teacher Abhishek Tiwari. Welcome you all on my channel. Students, as you know, we are in a series of videos which I'm providing you last few days. The lesson which is going on is the second lesson, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. So in it, we have studied the part one of it, means the story about Sahib-e-Alam. Let's talk about the second story, the story about Mukesh. Okay, so students, ab hum log Mukesh ke bare mein study karenge. हम लोगों ने साहिबे आलम रैग पिकर की स्टोरी पढ़ ली. उसके बाद उसकी स्टोरी पढ़ने के बाद जो दूसरा पार्ट है इसका, दिस इज़ यू नो सेकेंड पार्ट विच इज़ द स्टोरी ऑफ यू नो साहिबे आलम. सो दिस इज़ द पार्ट हियर, यू नो सिंपली साहिबे आलम बेसिकली सॉरी वाज अ रैग पिकर. हियर the Mukesh, it start from the line, I want to drive a car. Mukesh is basically working in a bangle factory in the Firozabad. Okay, Firozabad is famous for glass welding industries. So let's talk about this in detail. Mukesh insists on being his own master. मुकेश इस बात पर जोर देता है कि उसे अपने खुद का मालिक बनना है, मतलब खुद का जो है उसे किसी का नौकर नहीं बनना है, उसे खुद के अपने डिसीजंस अपने ऑर्डर का गुलाम बनना है. ओके, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, उसने कहा मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. उसने अनाउंस किया, उसने घोषणा किया कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. नेडर जब उससे मिलती है तो वो उससे पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो. ओके, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स. वो बदले में रिप्लाई करता है, कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार के बारे में सीख लूँगा, ड्राइव करना मैं कार के बारे में सीख लूँगा. लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज़, सीधा मेरी आँखों में देखते हुए, मतलब उसने बहुत ही फॉर्मली कहा कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज, ओके मिराज, अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन फिरोजाबाद टाउन, फिरोजाबाद. ओके, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक, उसके सपने ऐसे धुंधले से दिखाई पड़ रहे थे, लाइक अ मिराज, जैसे कोई मिराज हो. मिराज इट मीन्स यू नो इट्स अ फिजिक्स टर्म. फिजिक्स में आपने इसके बारे में सुना होगा, मरीचिका कहते हैं हिंदी में. ओके, एन इल्यूशन ऑफ एनीथिंग हैपनिंग, कोई चीज़ होने का इल्यूशन होता है. जैसे आप गर्मी के दिनों में सड़कों पर चलते हैं तो आपको दूर पानी सा दिखाई पड़ता है, दिस इज़ मिराज. ओके, सो हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक एन इल्यूशन मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट जिस दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद की सड़कों पर जो धूल जो है पूरे टाउन में शहर में जो है भरी पड़ी थी, उनके बीच में उसका सपना केवल एक जो है मिराज की तरह ही था, मतलब वो केवल मिराज की तरह ही धुंधला सा दिखाई पड़ता था, मरीचिका की तरह धुंधला सा दिखाई पड़ता था. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद वो शहर जो कि अपनी बैंगल्स के लिए फेमस है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. हर एक फैमिली जो फिरोजाबाद में वहाँ है वो सभी के सभी चूड़ी बनाने में ही इंगेज हैं. It is the center of India's glass welding industries. ये भारत की glass welding industries का center है, कांच को mold करके weld करके glass blowing, ठीक है, तो glass blowing industries हम कहते हैं उसको, तो कांच से कुछ भी बनाने को ग्लास ब्लोइंग कहते हैं. तो इस तरह से ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक सेंटर है. ओके, ना उसको हम शीशे की इंडस्ट्री कहते हैं, कांच की इंडस्ट्री कहते हैं. तो कांच की इंडस्ट्री का एक सेंटर है फिरोजाबाद, वेयर फैमिलीज हैव
स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो अपनी जनरेशंस, कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से जो है काम करते आ रहे हैं उन्हीं भट्टियों के चारों तरफ, उन्हीं फर्नेसेस के चारों तरफ उनका जीवन बीतता आ रहा है। वेल्डिंग ग्लास, कांच को मोल्ड करने में, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में, फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, है ना, उस जगह पर, उस धरती पर ऐसा दिखाई पड़ता है कि सारी दुनिया की जो धरती की महिलाएं हैं, पूरे भारत, पूरे विश्व में जो महिलाएं हैं उनके लिए ना, जैसे जनरेशन से वो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं भट्टियों के चारों तरफ, वेल्डिंग ग्लासेस के चारों तरफ, मेकिंग बैंगल्स ना, ग्लासेस के वेल्डिंग कर रहे हैं, कांच से चूड़ियाँ बना रहे हैं, तो ये सब करते हुए फॉर ऑल द वेमेन, सभी औरतों के लिए, इन द लैंड इट सीम्स ना, धरती जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। None of them known, no, उसमें से कोई भी जो है नहीं जानता है that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. उनमें, उनकी फैमिली में, उसकी फैमिली में भी कोई नहीं जानता है कि illegal है ये, इसको कहते हैं ना, illegal का मतलब होता है जो वैधानिक नहीं है ना, कानूनी रूप से ये गलत है बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों के लिए, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, जो कांच की फैक्ट्रीज़ में, कांच की भट्टियों के पास काम करते हैं जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो ये इलीगल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वैसे भी कानून बना हुआ है कि छोटे बच्चे जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह में या हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। ओके, अंडर आर्टिकल नंबर 24। सो इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, डिंगी सेल्स मतलब कि अंधेरे से जो है कमरों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ ना लाइट होता है ना हवा होती है, ठीक है, ऐसे जगह पे जो है काम करना इलीगल है, लेकिन उसकी फैमिली ये नहीं जानती है दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, ठीक है। सो द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, जो कानून है अगर वो लागू होता है, कुड गेट हिम, तो वो मुकेश को और उसके जैसे 20,000 बच्चों को, ठीक है, आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस, तो उस गर्म जो है भट्टियों से दूर कर देगा, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे वो अपने दिन की रोशनी को जो है, दिन की रोशनी वाले घंटों को या दिन के रोशनी वाले समय को वो वहाँ पर अपना खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बिताते हैं, तपाते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर ऐसे बच्चे जो हैं ना वो अपने अपनी आँखों की रोशनी वहीं खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आँखें जो हैं वो चमक गई, उसमें चमक सी आ गई, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वो अपनी इच्छा से मुझे अपने घर की ओर ले जाने लगा ना, अपनी इच्छा से घर की ओर मुझे ले जाने के हुआ अपने घर, तो उसकी आँखें यू नो आइज बीम्स मतलब आँखों में एक रोशनी सी, एक चमक सी आ गई, विच प्राउडली सेज इज बींग बिल्ट, और जिसको उसने प्राउडली कहा कि इज़ बींग बिल्ट, कि उसका घर जो है वो भी बन रहा है। ओके, बहुत गर्व से कहता है, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम बदबूदार गलियों से होते हुए चले आगे बढ़े, चोक्ड विथ गार्बेज, जहाँ पूरा गार्बेज से, कचरों से भरा हुआ गलियाँ थी, पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स, ओके, उन घरों से गुजरे जो अभी भी छप्पर ही थे, हॉवेल्स ही थे, ठीक है, तो वो जो घर वगैरह थे, पास्ट होम्स, ऐसे घरों के सामने से गुजरे, दैट रिमेन्स हॉवेल्स, जो अभी भी झोगी झुग्गी झोपड़ी ही थी ना, उसको झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी हुई सी दीवारें, वोबली डोर्स, लड़खड़ाते हुए दरवाजे, नो विंडोज़, कोई खिड़कियां नहीं, क्राउडेड विथ फैमिलीज़, भर और फैमिलीज़ से भरे पड़े हैं, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जिसमें इंसान और जानवर जो हैं को एग्जिस्टिंग ना, इन प्रीमेबल स्टेट, जहाँ पे इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं, जैसे प्रिमिटिव स्टेट की तरह, जैसे पहले आदिमानव रहते थे वैसे ही रहने के लिए मजबूर हैं ये सब। ओके, ही स्टॉप्स
एट द डोर ऑफ वन ऑफ सच हाउस, वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पे जा कर के खड़ा हो गया। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर, एक लड़खड़ाते हुए आयरन डोर को जो है उसने ठोकर मारी, ओके, विथ हिज फूट, अपने पैरों से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको जो है जोर से धक्का दे करके खोला। वी एंटर्ड अ हाफ बिल्ट सैक, ओके, हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में, ठीक है, छप्पर में घुसे। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, थैस्ट विथ डेड ग्रास, इसका एक हिस्सा जो है वो सूखी, थैस्ट विथ डेड ग्रास, सूखी घास से छाया हुआ था। थैस्ट मतलब उसमें छप्पर पड़ा हुआ था सूखी घास का, ठीक है। इट इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, ओके, इज़ अ फायरवुड, वहाँ पे लकड़ी पे जो है एक फायरवुड स्टोव है, मतलब चूल्हा जिसको कहते हैं, चूल्हे पे, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल, चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन में यू नो सिजलिंग, उसको हम कहते हैं सिंपली, सो शिजलिंग का मतलब होता है जिसमें उबलना होता है, उबलता हुआ सा पालक की पत्तियां उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी जो है प्लेटर्स या प्लेट्स पड़ी हुई हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और उसमें और सारी ना कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, ओके, और वहाँ पे एक यू नो अ फ्रेल यंग वुमेन, एक फ्रेल मतलब होता है दुबली सी, कमज़ोर सी, यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, वो फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है, ओके। थ्रो आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, जब वो मुस्कुराती है तो उसकी आंखों में जो है वो चूल्हे की धुआं जो है वो समाई हुई थी। शी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो बहुत मतलब उम्र में बहुत बड़ी तो नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसने ना बहू के रूप में अपनी जो यू नो आदेश को जो है पालन करना उसने लेकिन शुरू कर दिया था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू थी वो, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, और उसके चार्ज में तीन पुरुष होते थे, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, ठीक है, उस महिला का पति मुकेश और उस और इन दोनों का पिता, ये तीन पुरुष जो है कि जिम्मेदारी उस महिला के ऊपर थी। वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बड़े लोग घर में प्रवेश करते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो क्या करती थी, वो आराम से बहुत ही यू नो जेंटली वो अपने आप को उस टूटी हुई दीवार के पीछे कर लेती थी। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, वेल मतलब घूंघट, और अपनी घूंघट को अपने चेहरे तक ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि हमारी रिवाज की मांग है, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि अगर घर के बड़े पुरुष अगर आ जाएं सामने, तो हमारा एक रिवाज है, वो रिवाज कहता है कि बहुओं को अपना चेहरा ढकना पड़ता है। सो इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, ठीक है, अब इस जगह पर इस केस में जो एल्डर है, जो परिवार का जो है परिवार का जो बड़ा है, ठीक है, वो क्या है, वो एक इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर है, वो एक कंगाल जिसको हम कह सकते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, ठीक है, लंबे वर्षों के जो है हार्ड लेबर के बावजूद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले उसने टेलर के रूप में उसके पिता ने काम किया, देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हाउस, करने के बावजूद भी वो अपने घर को रिनोवेट करने में असफल रहा है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि घर बनाना कितना बड़ा काम होता है, ठीक है, तो ये उस एक ऐसी दशा को, शहरों की झुग्गी झोपड़ियों की दशा को दिखाने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे, हाउ समवन इज़ यू नो हाउ पीपल इन द हॉवेल्स इन द झुग्गी झोपड़ीज लीव ओवर देयर, ठीक है,
what kind of conditions if you ever you know visited, अगर आप कभी भी वहाँ पे गए हों या कभी आप जाएं, so you can understand the conditions, the living conditions of or the poorness of the living condition of that place, okay? आप उस चीज़ को समझ सकते हैं. तो इतने काम करने के बाद भी वो व्यक्ति अपने घर को रिनोवेट उसको करवा उसको फिर से मरम्मत नहीं करवा पाया था. ओके, सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने दो लड़कों को स्कूल भेजता है. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इन इज टीच देम व्हाट ही नोज. ठीक है, तो उसने जो कुछ भी मैनेज किया अपने आप से करने के लिए वो केवल वो कि उसने अपने बच्चों को पढ़ाया जो कुछ भी वो जानता था. ठीक है, वो जानता है, उसने वो अपने बच्चों को सिखाया द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला उसने अपने बच्चों को सिखाया. सो इट इज़ करम, इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर. मुकेश की ग्रैंड मदर कहती हैं कि इट इज़ हिज करम, ये तो उसका भाग्य है, उसकी डेस्टिनी है. हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हजबेंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स. ओके, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हजबेंड, वो महिला, उस बूढ़ी महिला जिसने अपने खुद के हस्बैंड को देखा था गो ब्लाइंड विद द डस्ट, जो इन फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स की ग्लास को पॉलिश करने से करने के दौरान जिसकी आँखें जो है अंधी हो गई थी उस डस्ट से, उस धूल से, उसने अपने खुद के हस्बैंड को देखा था. कहती है इट इज़ द हिज करम हिज डेस्टिनी, उसने कहा कि ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है. ठीक है, विच इज़ कर्म कहते हैं सिंपली. कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज. अब देखिए ये जो लाइन होता है ये एग्जाम्स में पूछा गया है इसको जस्टिफाई करने को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भाग्य का लिखा, ईश्वर का लिखा हुआ मिटाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है. शी इम्प्लाइज, उसने ये बात को जोड़ा, उसने ये बात कहा, वो महिला एज शी वॉज वेरी ओल्ड, वो बूढ़ी थी, बूढ़ी होने के साथ साथ थोड़ी कंजर्वेटिव थी. ठीक है, वो कंजर्वेटिव थी, तो उसने जो है इस तरह से इम्प्लाई किया, उसने ना अपनी बात को जो है अर्थ बताया. ठीक है, उसने कहा वो ऑर्थोडॉक्स थी, थोड़ी पुरानी सोच की थी, तो उसने अपने मजबूरियों को अपना भाग्य का नाम दे दिया था. बट एग्जैक्टली दिस इज़ नॉट राइट स्टूडेंट्स, नेवर, आई बिलीव दैट आर प्रॉब्लम्स कैन नेवर बी आर डेस्टिनी, हमारी समस्याएं हमारा भाग्य नहीं बन सकती हैं. एंड यू ऑल्सो नेवर थिंक ऑफ इट, आप भी कभी मत सोचना, आपकी बहुत समस्याएं जीवन में होंगी, बट दैट इज़ नॉट और दोज आर नॉट योर डेस्टिनी, पर वो आपकी भाग्य नहीं है. ठीक है, तो जो ये महिला ने कहा कि कैन गॉड गिवन लीनेज, इसी बात को जस्टिफाई करने को आया था एग्जाम में. कैन अ गॉड गिवन लीनेज, मतलब क्या भगवान की दी गई या लिखी गई बातें या भगवान की लिखी गई जो हमारा भविष्य है, कैन एवर बी टू ब्रोकन, क्या उसको कभी तोड़ा जा सकता है. उसने इसका मतलब बताया कि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि जो बॉर्न इन द मतलब पैदा होते हैं कास्ट मतलब कि ऑफ बैंगल मेकर्स, बैंगल मेकर्स की जाति में जो पैदा होते हैं, दे हैव सीन नथिंग, वो कुछ भी नहीं देखते हैं, बट बैंगल्स उन्हें केवल चूड़ियां ही दिखाई देती हैं. इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, उनके घरों में, उनके आंगन में और हर घर में, एवरी अदर यार्ड, हर आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर सड़क पर, ठीक है, स्पायरल्स, बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर ऑफ द रेनबो, मतलब कि कई तरह की चूड़ियाँ ना, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन कलर में, रॉयल ब्लू कलर में, पिंक कलर में, पर्पल कलर में, हर वो कलर की चूड़ियाँ जो सात कलर से मिल के बनाई जाती हैं रेनबो के. ओके, लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, ठीक है, वो कहती है कि लाई इन माउंट्स, जो कि एक ढेर के रूप में पड़ी होती हैं. ठीक है, इन अनकैम्प्ड यार्ड्स में, उसको हम कहते हैं बेसिकली बिखरा हुआ सा, गंदा सा जो है आंगन में, जो कि ढेर सा लगा होता है, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड क्राफ्ट्स, और जिसको इकट्ठा करके चार पहिए वाले हैंड क्राफ्ट से ले जाया जाता है, पोस्ट बाय यंग मेन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द
सैंटी टाउन, पुश्ड बाय यंग मेन, और उसको धक्के दिए जाते हैं, उसको ढकेले जाते हैं यंग नौजवान लड़कों के द्वारा, नौजवान लोगों के द्वारा, अलोंग द नैरो लेन्स, सकरी गलियों के बीच में, ऑफ द सैंटी टाउन्स, मतलब कि इन तो यू नो ये जो बैंगल्स हैं उनको चार पहिए वाले ठेलों पर, गाड़ियों पे, हैंडक्राफ्ट्स पे लाद करके, ठीक है, उन्हें उन्हें इस तरह से नैरो लेन से होते हुए ना, जो सैंटी टाउन है मतलब झुग्गी झोपड़ियों वाले शहरों से होकर के ले जाया जाता है, उसको नौजवान धक्का देते हुए ले जाते हैं, इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरे जो है झोपड़ियों के में, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, उनके आगे जो है उन अंधेरी झोपड़ियों के आगे, लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, तेल के दिए या फिर लैंटर्न्स वगैरह वो फ्लिकर कर रहे होते हैं, वो जल बुझ रहे होते हैं, सिट बॉयज उनके सामने लड़के बैठे होते हैं, एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने पिता और माता के साथ वहीं पे बैठे होते हैं अपने दरवाज़ों के सामने, वो भी फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स के बीच में, वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इंटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, ठीक है, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्ड किए हुए कलर्ड जो ग्लास होते हैं, कांच होते हैं, इनटू सर्कल्स, सर्कल्स में ऑफ बेंगल्स, ठीक है, क्या कर रहे होते हैं ये लोग, बैठ करके वेल्डिंग कर रहे होते हैं कांच की बनी हुई चीज़ों को, वेल्डिंग करके जो है उन्हें सर्कल फॉर्म में, चूड़ियों के फॉर्म में बना रहे होते हैं, देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन द लाइट आउटसाइड, उनकी आँखें अंधेरों के साथ कुछ ज़्यादा ही एडजस्ट हो गई थी उजाले और रोशनी की अपेक्षा, कि यू नो से अच्छा उनकी आंखें अंधेरों में काम करने के लिए और एडजस्ट हो चुकी थी, ओके, दैट इज़ व्हाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, ठीक है, इसीलिए दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट, इसलिए उनकी जो आंखों की रोशनी होती है वो अक्सर जल्दी चली जाया करती थी, बिफोर दे बिकम एडल्ट, मतलब उनके नौजवान बनने से पहले ही उनकी आँखों की रोशनी चली जाया करती थी, सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन फॉर टुडे स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड ट्राई टू कॉल ऑफ दिस लेसन, मैं प्रयास करूँगा कि इसको समाप्त करने का, टिल देन यू एंजॉय योर सेल्फ, यू वॉच द फुल वीडियो, ओके, एंड एन्जॉय द इंटायर सेशन ऑफ इट, ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आप वीडियो को कॉमेंट करिए, उसको अधिक से अधिक लोगों को स्प्रेड कीजिए, और प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आपको पसंद आया हो, आपने नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से मिलते रहे, सो स्टूडेंट्स यू एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।